हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। तो एक्सेस में जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रिलेशनशिप एक क्रिएट करी थी और आपको शायद याद भी होगा, ये हमारी मेन टेबल थी जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन टेबल और इस पर हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया था। रिलेशनशिप कैसे क्रिएट हुई है इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी रजिस्ट्रेशन वाली टेबल है जो सीधा रिलेट करती है क्लास वाले टेबल से, और यूनिट टेस्ट वन वाला टेबल जो बनाया है वो रिलेट करता है, वो भी मतलब क्लास से ही रिलेट करता है, और फिर यूनिट टेस्ट वन और टू दोनों का रिलेशनशिप भी हुआ पड़ा है। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप बिल्ड हुई थी और इसके लिए हमने कोई फॉर्म नहीं बनाया था और इसका रिस्पांस फॉर्म के तौर पर नहीं देखा था हमने, ठीक है। तो आइए आज उसको देखेंगे, यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर चल करके सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ से आ जाता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसे क्लोज कर देता हूं। और क्लोज करने के बाद क्या करना है आपको, सीधा जाना है क्रिएट पर, और क्रिएट पर जाने के बाद यहां से आना है आपको कहां पर, फॉर्म पर आना है, ठीक है। यहां पर आपको कई तरह के फॉर्म्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला तो आपको दिखाई पड़ेगा यहां पर फॉर्म, तो सीधा फॉर्म ये बन जाएगा। इसमें कोई आप इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं खुद से डिजाइन करना तो फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, या आप चाहे तो एक ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम यहां से जा सकते हैं, ये फॉर्म विजर्ड आपको दिख रहा होगा, यहां से आप जा सकते हैं। तो ये विजर्ड पे आएंगे और हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए, स्टूडेंट का स्टेट चाहिए, सिटी चाहिए, और क्या चाहिए हमें, क्लास के टेबल से रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का नेम चाहिए। तो ये चीजें हमने क्लास के टेबल से पिकअप की है, ठीक है। अब यूनिट टेस्ट फर्स्ट से क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कंप्यूटर का मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश का मार्क्स, मैथ्स का मार्क्स, एसएसटी का, साइंस का, और टोटल मार्क्स चाहिए और एवरेज मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये चीजें चाहिए यूनिट टेस्ट फर्स्ट से। यूनिट टेस्ट सेकंड से क्या चाहिए, हमें चाहिए आधार आईडी, क्या चाहिए आधार, तो आधार नंबर ले लिया हमने। बाकी कंप्यूटर का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स, साइंस का, एसएसटी का, मैथ्स का, टोटल और एवरेज, ये भी हमें चाहिए होगी। तो इसको लेकर के बस इस तरीके से आपको करना है और यहां पर आपको सब फॉर्म डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है, सब फॉर्म, और इसमें भी हमारी मेन टेबल जो होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी रजिस्ट्रेशन वाली टेबल, क्लियर। अब यहां पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर डेटा शीट फॉर्म में ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि इस पूरे टेबल को डेटा शीट फॉर्म में लेके आइए। यहां पर टेबुलर कर देंगे हम, ठीक है, यहां पर इसको भी टेबुलर रखेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे और फिर मॉडिफाई डिजाइन कर सकते हैं आप, और यहां पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके का एक फॉर्म आपको डिजाइन होता हुआ नजर आएगा। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हमें करने हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको हटा देंगे, ये रजिस्ट्रेशन टी लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहां पर क्लिक करके इस जो ये बॉक्स दिख रहा है इसको थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि ये स्पेस बहुत ज्यादा कंटेन किए हुए है, और इस वाले यानी कि जो आपका लेवल है इसको भी छोटा कर लीजिएगा। तो यहां पर इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं आप, ये आपका सब फॉर्म है और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और ये सिटी वाला जो दिख रहा है ये भी हिस्सा छोटा करेंगे हम यहां से, ये देखिए ये इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से अब दिखेगा, ठीक है। अब जो है अब हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके इसका सबसे पहले तो कलर बदल देना है। तो यहां पर जाकर के इसका कलर मैं चेंज करता हूं, ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई पड़े, ठीक है। तो सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। अब क्या करना है, अब हमें इस बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहां से जा सकते हैं आप, ये देखिए ये बैकग्राउंड चेंज के लिए दिया गया है, यहां से मैं ये वाला बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ, ये येलो बैकग्राउंड, और या फिर आप ये थोड़ा सा ग्रीन टाइप का ये जो बैकग्राउंड है इसको भी चूज कर सकते हैं, या नीचे आकर के जो भी आपको पसंद आ रहा हो उस टाइप का बैकग्राउंड चूज करके। और फिर यहां पर एक बनाना है हमें, क्या एक हमें जो है यहां से फॉर्म डिजाइन में जाके एक हमें कॉम्बो बनाना है। तो कॉम्बो के लिए कहां जाएंगे, तो ये देखिए ये हमारा कॉम्बो है, ये कॉम्बो होता है, तो इस पर क्लिक करिए और यहां से इसे ड्रैग करवा सकते हैं। आप ड्रैग करवाते ही ये ओपन होगा और थर्ड ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, और हम यहां कहेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन आईडी के बेस पे सेलेक्ट करेंगे और उसी के बेस पे सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी ले लिया हमने, अब ये बाय डिफॉल्ट यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी 1 आ जाता है, तो इसको आप हटा सकते हैं और यहां से फिनिश कर सकते हैं। तो जैसे फिनिश करेंगे तो यहां पर ये टेबल ये कॉम्बो बॉक्स बनकर के तैयार हो जाएगा। और अब इसका भी कलर हम बदल देते हैं, कलर जो है ये कलर रहेगा और थोड़ा सा इसे बोल्ड भी रखेंगे। बाकी इसका बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं, किस बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा येलोइश कर दिया है मैंने। अब इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका जो है ये सॉफ्टवेयर बनकर के तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें आपको मेंशन होती भी नजर आएंगी। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर बनकर के तैयार है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे बना है और इसका क्या फायदा है। आप देखिए यहाँ पर क्लिक आप करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है,
यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाई पड़ रही है, तो जिस रजिस्ट्रेशन आईडी की आप बात करेंगे केवल वही रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ से नजर आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जैसे ही मैंने किया तो नीचे भी रजिस्ट्रेशन आईडी आपको चेंज होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, क्लियर है ना। और बाकी आपका रिजल्ट भी जो है नीचे नजर आएगा। तो यहाँ पर ये पूरा एक फुल सॉफ्टवेयर, और देखिए ये दोनों अलग अलग भी, यहाँ पे दोनों अलग अलग भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें थोड़ी सी और सेटिंग कर लेंगे तो सारी चीजें क्लियरली दिखाई पड़ेंगी। कैसे सेटिंग करेंगे आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर आएंगे तो देखिए ये रोल नंबर जो है ना ये काफी बड़ा हो गया है, यानी ये लेबल है तो लेबल को तो थोड़ा छोटा ही रखना है हमें, तो ये छोटा कर लिया हमने। नेम ऑफ स्टूडेंट ये भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया है बॉक्स, तो इसको भी छोटा कर लेंगे। फिर इसको भी हम छोटा करेंगे। देखिए ये इतने बड़े बॉक्स की तो जरूरत है ही नहीं भाई, इतना बड़ा नाम किसी का होगा नहीं, तो इतना बड़ा बॉक्स की भी हमें कोई जरूरत है नहीं, तो इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बाकी यहां पर जब आते हैं ना तो ये वाला बॉक्स भी हमें छोटा करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ से जो है ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इस तरीके से। ये यूनिट टेस्ट 1 का कंप्यूटर का मार्क्स है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यूनिट टेस्ट 1 का है या 2 का है, ये भी दिख रहा है। और सारी चीजें आपको डिटेल में पूरी नजर आ रही होगी, यानी ये फुल एक तरह से सॉफ्टवेयर ही आपने बनाया है। देखिए, और इस तरह का प्रोजेक्ट की जरूरत पड़े तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपका एक मार्क्स भी कोई काट लेके आ मजाल है किसी की। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट भी चाहिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे प्रोजेक्ट बना के दिखा सकते हैं और अपने टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अगर आप एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर भी बन जाएगा इससे। आप देख ही रहे हैं लगभग हमने सॉफ्टवेयर ही बनाया हुआ है। ठीक है, और अब इसको भी आप छोटा बड़ा करके इसको भी सही कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये चीजें जो है, अब यहाँ पर आधार आईडी आपकी आ रही है तो इसको इधर ट्रैक करके लाइए थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया, और थोड़ा इधर की तरफ मूव भी करेंगे हम, देखेंगे और भी क्या क्या चीजें हैं। तो बाकी की चीजें भी यहाँ आपको दिख रही है, तो यहाँ से छोटा बड़ा करके इसकी भी साइज को आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसकी साइज इतनी बड़ी तो रहेगी नहीं, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा ड्रैग करके इधर की तरफ लेके आएंगे, और टोटल भी इधर की तरफ करेंगे, और बाकी की चीजों को यहाँ पर ड्रैग करके छोटा बड़ा आप चाहे तो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सारी चीजें एकदम क्लियरली आपको शो भी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अब कंट्रोल ए कर लीजिए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए एक ही बार में, और यहाँ से जाकर के, और पहले तो इसको ब्लैक कर लीजिए, इसको भी ब्लैक कर लेंगे। जो भी हमारे पास डेटा है ना, पूरा डेटा हम सेलेक्ट करेंगे, ये सब फॉर्म वाला पूरा डेटा ही हम सेलेक्ट करके और इसे ब्लैक कर देंगे। तो यहाँ से ब्लैक बनाएंगे ताकि ये क्लियरली दिखाई पड़े, तो क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगा तो फिर क्या फायदा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और अब देखिए ये सब फॉर्म है आपका, लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो है एक गड़बड़ी और हो गई। तो यहाँ से आप पहले इसको थोड़ा सा, ये जो है ना आपका फॉर्म, ये नीचे इसको थोड़ा लाइएगा, और तब इसको जो है हो गया। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए तो अब आपको ये सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो एक एक चीज की डिटेल भी आपको दिखेगी, नीचे आपको मार्क्स भी दिखेंगे, सारी चीजें भी दिखेंगी। क्लियर है कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पर एक एक चीज की डिटेल भी आपको नजर आ रही है। आप जैसे ही यहाँ से चेंज करेंगे ना तो उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स वगैरह सब कुछ चेंजेस होते चले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर यूनिट टेस्ट फर्स्ट दिख रहा है, कंप्यूटर का मार्क्स है यूनिट टेस्ट फर्स्ट। यहाँ पे जहां भी यूनिट टेस्ट फर्स्ट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये किसका मार्क्स है, यूनिट टेस्ट फर्स्ट का। अब मान लीजिए कि आपको यूनिट टेस्ट सेकेंड भी देखना हो तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, तो यूनिट टेस्ट सेकेंड देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसको, अब मान लीजिए यूनिट टेस्ट सेकेंड देखना है तो आप इधर की तरफ आ सकते हैं। देखिए आधार आईडी भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया है और आधार आईडी भी आपको नजर आ रही है, फिर यूनिट टेस्ट सेकेंड के मार्क्स दिखाई पड़े। आप इसको स्क्रॉल करके इधर उधर करके डिजाइन व्यू पे लेके छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि ये पूरा पूरा देखना शुरू हो जाए। ठीक है, अब चूंकि एक वीडियो है और वीडियो काफी लंबी होती जाएगी तो इस वजह से मैं इसे कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।